अस्सलाम वालेकुम, शाम की चाय के साथ हाजिर हूँ जलालुद्दीन रूमी की हकायात के साथ। आज की हकायत का उन्वान है बेवकूफ़ की सोहबत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेज तेज कदम उठाते हुए पहाड़ की तरफ जा रहे थे। एक आदमी ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ खुदा के रसूल अलैहिस्सलाम, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? वजह खौफ क्या है? आप अलैहिस्सलाम के पीछे कोई दुश्मन भी तो नज़र नहीं आता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक अहमक आदमी से भाग रहा हूँ, तो मेरे भागने में खलल मत डाल। इस आदमी ने कहा, या हज़रत, आप क्या वो मसीह अलैहिस्सलाम नहीं है जिनकी बरकत से अंधा और बहरा शफायाब हो जाता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। इस आदमी ने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम वो बादशाह नहीं है जो मुर्दे पर कलाम इलाही पढ़ते हैं और वो उठ खड़ा होता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। इस आदमी ने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम वो ही नहीं है कि मिट्टी के परिंदे बनाकर इन पर दम कर दें तो वो उसी वक्त हवा में उड़ने लगते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं वही हूँ। फिर इस शख्स ने हैरानगी से पूछा कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इस कदर कुव्वत अता कर रखी है तो फिर आप अलैहिस्सलाम को किसका खौफ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि जिस केस में आज़म को मैंने अंधों और बहरों पर पढ़ा तो वो शफायाब हो गए, पहाड़ों पर पढ़ा वो हट गए, मुर्दों पर पढ़ा वो जी उठे, लेकिन वही इसमें आज़म मैंने अहमक पर लाखों बार पढ़ा लेकिन इस पर कुछ असर ना हुआ। इस शख्स ने पूछा, या हज़रत अलैहिस्सलाम, ये क्या है कि इस इसम आज़म अंधों बहरों और मुर्दों पर तो असर करे लेकिन अहमक पर कोई असर नहीं करता, हालांकि हमाकत भी एक मर्ज है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमाकत की बीमारी खुदाई कहर है, दर्से हयात बेवकूफ़ की सोहबत से तन्हाई बेहतर है।